एनसीपी सरकार की तो प्रदेश में बनाने की बात बहुत बात की है। पहले तो लोकसभा का चुनाव है, जो इंडिया नाम का गठबंधन मिलकर लड़ रहा है, एनसीपी उसमें एक पार्टी है। और एनसीपी और कांग्रेस की तरफ से 22 मार्च को जब ये गठबंधन नहीं बना था, उस समय माननीय शरद पवार जी मेरी जिम्मेवारी लगा गए थे कि करनाल लोकसभा का चुनाव आपने लड़ना है और जितने दल और नए गठबंधन में आएंगे उनको सब मनाने की जिम्मेवारी मेरी होगी। तो हम लोकसभा की तैयारी में हैं, लेकिन संगठन हम अपना सारा का सारा हरियाणा में खड़े करने का प्रयास कर रहे हैं। आज जो है कुरुक्षेत्र में कार्यकर्ताओं की बैठक है और इसमें हम कुरुक्षेत्र का संगठन, जिला के प्रधान, युवा के प्रधान और जो हल्का अध्यक्ष हैं लाडवा के, शाहबाद के, थानेसर वगैरह के, सारे के सारे आज हम यहाँ घोषणा करके जाएंगे और उनकी जिम्मेवारियाँ लगा के जाएंगे। और बाकी हमारे माननीय राष्ट्रीय महासचिव जी योगानंद जी शास्त्री दिल्ली से आए हुए हैं, वो समझिए एक ऑब्जर्वर भी हैं और वो समझो हमारा हौसला बढ़ाने भी आए हैं और वो समझो हमारा एक किस्म से मॉनिटरिंग करने भी आए हैं। लोकसभा के चुनाव एनसीपी की तरफ से हम करनाल से, मैं मराठा वीरेंद्र वर्मा चुनाव लड़ूंगा। इस पवित्र धरती पर खड़े होकर आप हमारी तैयारी देख रहे हैं। करनाल से हमारे सर्वे सर्वा हैं मराठा साहब और वहाँ से निकल करके कुरुक्षेत्र में मीटिंग करने का मतलब कि हम केवल करनाल तक सीमित नहीं हैं, हम पूरे हरियाणा में हमारी पार्टी है, पूरे देश में पार्टी है, केरल में हमारा मिनिस्टर है और कई राज्यों में हमारे एमपी हैं, नागालैंड में हमारे 6 विधायक जीते हैं। तो हम आगे बढ़ा रहे हैं पार्टी को और गठबंधन जब से बना है तब से और ज़्यादा सक्रियता हमारी बढ़ी है। तो हम केवल एक दो जगह तक सीमित नहीं रहेंगे। मान लीजिए हम आप लोगों के सहयोग से, जनता के आशीर्वाद से यदि हमारे मराठा साहब जीत जाते हैं तो यहाँ पर सब के सब एमएलए इनके हाथ से बनेंगे। आज जो मीटिंग है हमारी एक वर्कर मीटिंग है और हमने एक पार्टी का अपना कुरुक्षेत्र में संगठन खड़ा करना है। और मैं आपकी जानकारी के लिए बताना चाहूँगा कि 22 मार्च को शरद पवार जी करनाल अनाज मंडी में आए थे और वहाँ बहुत बड़ी भारी जनसभा हुई और जनसभा से खुश होकर के स्वयं शरद पवार जी ने एक अनाउंसमेंट की थी कि यहाँ करनाल लोकसभा से मराठा वीरेंद्र वोरा लोकसभा का चुनाव लड़ेंगे। और तब से लेकर के जो है हमारी पार्टी जो है एनसीपी पार्टी जो है अपने हमारे जो कार्यकर्ता है वो दिन रात लगे हुए हैं और हमारी पार्टी का संगठन अब जो है पानीपत जिले में, करनाल जिले में और पिछले दिनों जो है हमने जमुनानगर जिले में भी खड़ा किया है। आज कुरुक्षेत्र जिले में इसी कड़ी में संगठन खड़े रहे और उत्तरी हरियाणा में हमने अम्बाड़ा में भी हमारे कुछ बॉडी बढ़ चुकी है, इसी प्रकार सोनीपत में भी बढ़ चुकी है। अब अपना संगठन खड़ा करने में जो लग रहे हैं और अभी जो हमारे नेता योगानंद शास्त्री जो दिल्ली में स्वास्थ्य मंत्री भी रहे, स्पीकर भी रहे, हमारे राष्ट्रीय महासचिव हैं, तो आपके सामने कहा है कि जो इंडिया गठबंधन होने जा रहा है और बम्बई में जिसकी मीटिंग 31 अगस्त को है, 1 सितंबर को है, उसमें निर्णय होगा कि हरियाणा में कितनी सीटों पर जो है यहाँ पर एनसीपी पार्टी लड़ेगी। एक सीट तो स्वयं ही शरद पवार जी घोषित करके जा चुके हैं करनाल 22 मार्च को।